वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो सरकारों में 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस कार्यकाल में सीएम धामी ने कई महत्वपूर्ण और सख्त फैसले भी लिए हैं। समान नागरिक संहिता के साथ ही नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी, दंगारोधी कानून भी बनाया है। साथ ही लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई कर करीब 5,000 सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त किया है। तो वहीं आज 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में मुझे काम करने का अवसर मिला है और उत्तराखंड में इन 3 वर्षों के कालखंड में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं और बहुत सारी नीतियां भी बनाई गई हैं। गरीबों के कल्याण के लिए समाज के अंतिम छोर तक हमारी योजनाएं पहुंचे, उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, अनेक विकास के रास्तों पर आगे बढ़ा गया है, अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं, बहुत सारी नीतियां बनाई गई हैं और बहुत सारे चुनौतीपूर्ण समय पर देवभूमि उत्तराखंड की जनता और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उन पर काम किया गया है। उन चुनौतियों से चुनौतियों का सामना करके उनका समाधान निकाला गया है। नौजवानों का, युवाओं का जो एक बड़ा सपना रोजगार का होता था, उस रोजगार के लिए हमने काम किया है। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाई है, नकल अध्यादेश हम लेकर आए हैं। इसके साथ साथ 14,800 भर्तियां पिछले 3 सालों में हुई हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। सरकारी भर्तियां और सारी की सारी नकल विहीन हुई है। मातृशक्ति के लिए अनेक योजनाएं रोजगार के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दल, उन सभी को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए काम किया गया है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च किया गया है। गरीबों के कल्याण के लिए समाज के अंतिम छोर तक हमारी योजनाएं पहुंचे, सरकार पहुंचे, शासन तंत्र पहुंचे, उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। लगातार उनकी सबकी समीक्षा की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। किसानों का उत्थान हो, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक संकल्पना है, उनका जो एक लक्ष्य है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में किसानों के लिए नई योजनाएं ला रहे हैं, चाहे वो पशुधन के क्षेत्र में हो, चाहे मत्स्य पालन के क्षेत्र में हो, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो, मिशन एप्पल हो, मिशन कीवी हो, मिशन दालचीनी हो, उन सभी पर काम हो रहा है। हमारा प्रयास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उनके कथन है, उनके मुंह से निकले हुए शब्द हैं कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जितनी हमारे अंदर सामर्थ्य है, जितनी हमारी शक्ति है, जो भी हमारी क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप एक पल रुके बिना, एक क्षण रुके बिना उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने और 21वीं सदी प्रधानमंत्री जी के कथनों के अनुसार 21वीं सदी उत्तराखंड की सदी होगी। ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं बार बार आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि